बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर्स है वो भी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती है। स्टूडेंट, आपने बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, क्योंकि FSC के लेवल पर इनका प्रूफ नहीं गिवन है, लेकिन अगर आपने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इनकी वैल्यूज़ के लिए, जो इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए प्रूफ चेक करने हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो BSc का चैप्टर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर और पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन वाला, आपने वहाँ जाके देखने हैं। वहाँ मैंने पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन के भी प्रूफ करवाए हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ विद प्रूफ करवाई हुई हैं, और आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी प्रूफ गिवन है, बाइनोमियल के भी प्रूफ भी मैंने। तो आपने ये FSC के लेवल के लिए मैं आपको करवा रही हूँ, जो BSc के लेवल पे है उन पे मैंने आपको तमाम के तमाम प्रूफ सॉल्व करके बताए हुए हैं। तो आपको अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है या आप देखना चाहते हो प्रूफ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो BSc के चैप्टर्स हैं उनमें आपने देखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही होती है, इसके हमारे पास मीन क्या है, हमारे पास वेरियंस क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो हमने डिस्कस करनी है। इसमें आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको माइंड में रखना है कि जो मीन है प्रॉपर्टी ऑफ हाइपर डिस्ट्रीब्यूशन में, फर्स्ट वो आपने याद रखना है, वो हमारे पास μk डिवाइड बाई n होता है। अब स्टूडेंट, हमने जो पढ़ा था बाइनोमियल में, हमने पढ़ा था म्यू इज इक्वल्स टू होता है NP, लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमने प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि हमारे पास जो P होता है वो क्या होता है, K शो करते हैं इंटरेस्टेड यूनिट डिवाइड बाई टोटल को, ये सैम्पलिंग में हमने पढ़ा था इंटरेस्टेड यूनिट डिवाइड बाई टोटल। तो हमारे पास यहाँ जो आ जाता है वो NK डिवाइडेड बाई NK इक्वल होता है फॉर द मीन ऑफ द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने याद रखना है कि जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो NK डिवाइड बाई कैपिटल N है। इसी तरह वेरियंस आपके पास आ जाता है, तो जो वेरियंस है वो आपके पास इन वैल्यूज़ के इक्वल होता है, और ये भी स्टूडेंट आपने याद रखना है, ये हमारे पास आ जाता है वेरियंस आपने बस याद रखना है। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, NK - N आ जाता है, इसी तरह N - K - N एंड कुरेक्शन फैक्टर आ जाता है जो कि आपने लगाना होता है। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है कि ये सक्सेस, ये जिस तरह हम लिखते हैं ना NP and Q, या आपको पता है कि ये P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को शो कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को शो कर रहा है, एंड ये कुरेक्शन फैक्टर है, क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट लगा रहे हैं और कुरेक्शन फैक्टर हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास लग रहा होता है। तो आपने इसका जब स्क्वायर लिया तो ये N² हो गया, बाकी इसको कंबाइन करके लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरियंस है वो इक्वल होता है, जिस तरह के बाइनोमियल में हमारे पास जो वेरियंस था वो किसके इक्वल था, सिंपली NP Q, जहाँ हमारे पास सिर्फ NP Q की इक्वल क्यों था, क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है फ्रॉम ऑल द ट्रायल्स, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ट्रायल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट, ये तो हो गई हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होगी, जिसमें हमने NPQ शो की है एंड कुरेक्शन फैक्टर शो किया, हम कहते हैं नोट। अब नोट हमने क्या करना है कि दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ सेम एज दैट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो डिफर कर रहा होता है वो कुरेक्शन फैक्टर होता है, और ये हमारे पास लगते हैं इन द केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, और इसको आपने माइंड में रखना। अच्छा, एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट, वहाँ आपको कह रहे हैं के 4 dice आर टॉस 96 टाइम्स, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज व्हेन थ्रोइंग 4, 5 और 6 इज़ रिगार्डेड एज अ सक्सेस। अब वो सक्सेस आपको फिक्स्ड बता रहे हैं, इट्स मीन बाइनोमियल का आपको बता रहे हैं, आपने एक्सपेक्टेड। अब हमारे पास क्या बता रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या है, 4, 5 एंड 6, इट्स मीन 4 एक डाइस है, डाइस में टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं डाई में, वो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं, 6 होती हैं। 6 क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो कहते हैं अगर आपके आने के जो चांसेस हैं वो 4, 5 एंड 6। अब आपको पता है इनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है, 1/6, 1/6 एंड 1/6। आप इन तीनों को ऐड करो तो आपके पास आ जाता है 3/6, जो कि कट आउट होकर 1/2 आ जाता है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ जाती है वो आपके पास आ जाती है 1/2। फेलियर आप फाइंड कर सकते हो, 1 - P होता है, तो आप 1 - 1/2 करोगे तो 1/2 आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाती है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, उन्होंने क्या कहा है
कि आपने फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज व्हेन थ्रोइंग 4, 5 और 6 इज रिगार्डेड एज अ सक्सेस एंड हाउ मेनी 4 डाइसेस आर टॉस्ड। तो आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 क्योंकि हमारे पास टोटल जो डाइसेस थ्रो किए गए हैं जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैं वो 4 हैं और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, इट्स मीन कैपिटल एन आपको गिवन है और ये हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं जो कि हमने मालूम करनी है। अब स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं एन एक्स पी एक्स एन क्यू एन माइनस एक्स। अब आपके पास जहाँ n टोटल 4 है, 0 आपने x की जगह पुट करने, आप 0 x की जगह पुट करो, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर वो 1/2 है, तो हमने 1/2 एंड 1/2 लगा के ये आपके पास वैल्यूज आ गए। इसी तरह 4/1 है, ये हमने सॉल्व की, सिर्फ आपने x की जगह 1 पुट कर देने, फिर आपने 2 पुट करने, फिर 3 पुट करने, फिर 4, ये आपने प्रोसेस जो है वो तमाम के लिए करने, तो आपके पास जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं स्टूडेंट वो आपके सामने आ जाएंगे। अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको अगेन बताती जा रही हूँ कि आपने कैपिटल एन के साथ सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो आ जाती हैं। अब प्रोबेबिलिटीज़ तो हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स भी आपको पता चल गए। आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो जो आपके पास आंसर आया उसको आपने 96 से मल्टीप्लाई करते जाने, तो ये स्टूडेंट देखें आपने 96 को मल्टीप्लाई किया 1/16 के साथ 6 आ गया, 96 को मल्टीप्लाई किया 4/16 के साथ 24 आ गया, इसी तरह ये आपने प्रोसेस कंटिन्यू रखा तो आपके पास लास्ट 1/6 आ गया या आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। तो ये आपका चैप्टर जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर डिस्ट्रीब्यूशन का फिनिश हो जाता है। स्टूडेंट अगर इस चैप्टर में आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं आपको अगेन बताती जा रही हूँ स्टूडेंट, मैं लेक्चर्स की नंबरिंग दे देती हूँ कि लेक्चर नंबर 1 है 2 है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने इस लेक्चर से पहले कौन सा लेक्चर सुनना है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, क्योंकि आधे जो हमने अपने जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके होते हैं तो उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करते होते, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम न्यू चीज़ बताते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।